हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ नाया पटेल फ्रॉम थामना एजुकेशन इंस्टीट्यूट। आई विल टीच यू सब्जेक्ट हिंदी इन स्टैंडर्ड थर्ड। तो चलो बच्चों, स्टैंडर्ड थर्ड हिंदी में आपको रिवीजन करना है। रिवीजन में फर्स्ट डेटा कौन सा है आप सभी को पता है ना? कौन से शुरू होता है? स्वर से। स्वर कितने हैं? अ से अह तक 13 स्वर है ना। और क से लेके स्र तक है, वो सब क्या है? व्यंजन है, यानी कि कॉन्सोनेंट है। आप सभी को पता है, आपने सब पढ़ लिया है, पहचाना भी आता है, वर्ड बनाया है, सेंटेंस भी बनाया है ना, सभी ने बनाया है ना, और लिखा भी है। देखो, आपको अभी लिखना नहीं है, लेकिन क्या करना है, अच्छे से समझना है रिवीजन में। ओके, तो फर्स्ट मूडाक्षर शुरू करते हैं, वो है कौन सा? यस, अ से अनार। देखो, अ से अनार है, इसमें कोई भी मात्राएं नहीं लगाई गई है नहीं है ने? देखो, यहाँ पे क से लेके स्र तक है, इसमें क्या है? वो व्यंजन है। व्यंजन में आपको कहाँ पे कोई भी मात्रा दिखाई देती है? नहीं है ने? देखो, क प्लस अ इज इक्वल टू क, यहाँ पे वो छोटी सी लाइन होती है, इसका मतलब वो होता है कि क है वो पूरा नहीं है। बराबर, इसमें अ ऐड करते हैं तो अ क पूरा होता है। देखो, सभी में ऐसा किया है, न न प्लस अ इज इक्वल टू न, वो उसको हलंत कहते हैं। क्या कहते हैं? हलंत। हलंत यानी कि आपको याद रखना है कि वो न पूरा नहीं है, इसमें अ ऐड करते हैं न, और जो उसका उच्चार करते हैं तो न, और इसमें अ ऐड होते हैं तो न। देखो, आप सभी को पता है कि कोई भी स्पेलिंग लिखने के बाद आप अ ऐड करते हैं, क्यों? क्योंकि इसका उच्चार अ ऐसा होता है, क ख ग है ना। और जो अ ऐड नहीं होता है तो उसका उच्चार कैसे होता है? क ख ग फ। ओके, तो वो कैसे होता है? हलंत होता है। देखो, यहाँ पे ग प्लस अ इज इक्वल टू ग, फ प्लस अ इज इक्वल टू फ। ओके, वर्ड बनते हैं कमल, नल, गर, फल है। कोई भी मात्राएं लगाई नहीं है, सिर्फ क्या है? जो वर्णमाला है, वर्णमाला में से लिए गए मूडाक्षर है, क म और ल है ना। तो वर्ड बना कमल। यहाँ पे है देखो, क म ल, कोई भी मूडाक्षर मात्राएं नहीं लगाई गई है ना। तो देखो, पढ़ो फीके अक्षरों से, अक्षरों को घड़ा करो और लिखो। तो आपको समझ में आ गया है, क से लेके स्र तक वो क्या है? कॉन्सोनेंट है। ओके, तो देखो, क ख ग ग अंग, च छ ज ज ज, वो क्या है? अनुनासिक है, अंग और ज। ट ठ ड ड न, त थ द द न, प फ ब ब म, य र ल व, श ष ष ख ण क्ष, त्र ज्ञ और स्र, वो कॉन्सोनेंट। इसने इसके पर से आपको क्या बनाना है? वर्ड बनाना है। वर्ड बनाते हैं ना शब्द, तो देखते हैं शब्द। देखो, रथ, हल, जग, मगर, बर्तन, इसमें कोई भी मात्रा नहीं लगाई गई है। जैसे ही वर्णमाला है, वो वर्णमाला में से लिए गए वर्ण है, भगत, कलम, बतख, सड़क, मटर, अचकन, शरबत, कसरत, टमटम, बरगद। ओके, समझ में आया कि जो वर्णमाला है, वो वर्णमाला में से लिए गए वर्ण है, और जो शब्द बनाए, वो शब्द में से आपने क्या बनाया? सेंटेंस बनाया। अभय कसरत कर, जग रख, शरबत चख, अचकन पहन, यानी कि अ होता है, इसमें कोई भी मात्राएं आती, ह्रस्व दीर्घ, ह्रस्व दीर्घ, ए ऐ मात्र, कोई भी मात्राएं नहीं होती है। जैसे ही वर्णमाला में वर्णमाला दी गई है, वर्णों दी गया है, वही का वही वर्ण अच्छे से क्या किया है? उसका शब्द बनाया गया है। ओके बच्चों, समझ में आया? देखो, आगे देखते हैं आकार। देखो, आपने देखा अभी अ है ना, तो अ में कोई भी मात्राएं नहीं लगाई थी, और आ में क्या है? वो स्टैंडिंग लाइन जैसा दिखाई देता है, वो क्या है? आ के मात्रा, यानी कि गुजराती में उसको क्या कहते हैं? अनेकानो आ। ओके, आ से वर्ड बनता है आम। देखो, यहाँ पे यहाँ ऐसा हलंत नहीं आएगा, क्योंकि वो क कैसा है? पूरा है, क। ओके, क के पास क्या ऐड करना है?
आके मात्रा क प्लस आके मात्रा इज इक्वल टू का, ख प्लस आके मात्रा इज इक्वल टू खा, ग प्लस आके मात्रा इज इक्वल टू घ, ग प्लस आके मात्रा इज इक्वल टू घ। आके मात्रा यानी कि गुजराती में उसको कहते हैं कनो, कने कनो का, खने कनो खा, गने कनो ग। ओके, इसमें से वर्ड बनेगा कने कनो कान। ख को आके मात्रा खाट, ग को आके मात्रा गाय, ग को आके मात्रा घश। ओके, तो आपने देखा वर्णमाला में व्यंजन है ना, तो क से लेके स्र तक सभी में क्या किया गया है, आगे अ में देखा था कोई भी मात्रा नहीं लगाई गई थी, तो आ में कौन सी मात्रा लगानी है बच्चों? यस, आ की मात्रा देखो, क प्ल क ने आ की मात्रा इज इक्वल टू का, ख को आ की मात्रा इज इक्वल टू खा, गा गा आंग, चा छा जा जा जा, टा ठा डा डणा, ता था दा दा ना, पा फा बा पा मा, यारा लावा, शा शा शा, हनक शा, त्रा ग्न्या और स्रा। ओके, जैसे ही आपने अ देखा इसमें कोई भी मात्रा नहीं था, तो आ में क्या है, आ की मात्रा है और उसका उच्चार आ ऐसा होता है। तो वर्णमाला देखा, इसमें से आपको क्या बनाना है बच्चों? वर्ड बनाना है। तो चलो बनाते हैं वर्ड। यहाँ पे देखो, वो बा ब और ज, वो दोनों कहाँ से लिया गया है? यस, वर्णमाला में से। उस दोनों को क्या लगाया गया है? आ की मात्रा, ब को आ की मात्रा बा, ज को आ की मात्रा जा बाजा, छ को आ की मात्रा छा, त को आ की मात्रा ता, ह को आ की मात्रा ह, थ को कोई भी मात्रा नहीं है तो ह थ, बाजा छाता ह थ, अनार। इसमें कौन सी मात्रा कहाँ पे लगाई गई है? अ और र को कोई भी मात्रा नहीं है, लेकिन बीच में जो न है उसमें आ की मात्रा है, तो क्या होता है? ना, अनार। द र, वो दोनों को कोई भी मात्रा नहीं है, और व को आ की मात्रा और ज को आ की मात्रा, तो द व को आ की मात्रा वा हुआ, ज को आ की मात्रा है तो क्या हुआ? जा। वो स्टैंडिंग लाइन है ना, उसको आ की मात्रा कहते हैं। द र वाजा बाजा, र ज हज, म कान, ग मला, जानवर। ओके, गाजर, बर सात, दर बार, महाराज, पाठशाला। ओके, तो यहाँ पे देखो कि आमे कोई भी शब्द में आके मात्रा होती है और उसका उच्चार आ ऐसा होता है। वर्ड में से आपको क्या बनाना है बच्चों? यस, आपने देखा है आगे सेंटेंस बनाते हैं, वर्णमाला में से शब्द बनाते हैं, शब्द में से क्या बनाते हैं? वाक्य। ओके, चलो वाक्य बनाते हैं। तो रमा बाजा मत बजा, देखो यहाँ पे बाजा आपने देख लिया था वर्ड में, रमा वो क्या है? पर्सन है। मत बजा, पाठ याद कर, यहाँ पे पाठ है नहीं है, है ना? और अनार खा, और यहाँ पे अनार है वर्ड में आ गए, इसमें से क्या बना? सेंटेंस। खा रख दिया तो अनार खा। रमा बाजा मत बजा, पाठ याद कर और अनार खा। देखो बच्चों, आपको समझ में आ गया? अ और आ, अ में कोई भी मात्रा नहीं है, अ वर्णमाला क से स्र तक में उसका वर्ड बनता है, बराबर? कोई भी वर्ण अच्छे से बनता है, यानी कि मीनिंगफुल वर्ण बनता है, और आ में क्या लगाया जाता है? आ की मात्रा, यानी कि गुजराती में उसको कहते हैं कान। ओके बच्चों, तो अ और आ वो दोनों समझ में आ गए। ओके, फिर से आपको देख लेना है एक बार, और आपको अपनी तरह से दूसरा कोई वर्ड और सेंटेंस अपने आप बनाना है।